दिल्ली शराब नीति मामला। 5 करोड़ की रिश्वत लेने के आरोप में ईडी का असिस्टेंट डायरेक्टर गिरफ्तार। दरअसल दोस्तों आपको बता दें, दिल्ली शराब नीति मामले में सीबीआई ने ईडी के अधिकारी को 5 करोड़ की रिश्वत लेने के आरोप में गिरफ्तार किया है। आरोप है कि ईडी में असिस्टेंट डायरेक्टर के रूप में काम करने वाले पवन खत्री ने शराब नीति मामले में आरोपी व्यवसायी अमनदीप सिंह ढल्ले से 5 करोड़ रुपए की रिश्वत ली थी। सीबीआई ने खत्री समेत दो अधिकारियों के खिलाफ रिश्वत के आरोप में शिकायत दर्ज की थी। अब जांच के बाद खत्री को गिरफ्तार कर लिया गया है। दरअसल ईडी के अनुरोध पर सीबीआई ने दो आरोपी अधिकारियों, सहायक निदेशक पवन खत्री और अपर डिविजनल क्लर्क नितेश होकर के खिलाफ एफआईआर दर्ज की थी। मामले में अन्य आरोपियों में एयर इंडिया के कर्मचारी दीपक सागवान, गिरफ्तार व्यवसायी अमनदीप सिंह ढल, गुरुग्राम निवासी वीरेंद्रपाल सिंह, एक चार्टर्ड अकाउंटेंट प्रवीण कुमार वत्स, क्लोरिजेस होटल के सीईओ विक्रमादित्य और कुछ अन्य अधिकारी शामिल हैं। दोस्तों वहीं आपको बता दें, ईडी की शिकायत के मुताबिक जानकारी मिली थी कि अमनदीप सिंह ढल और वीरेंद्रपाल सिंह ने शराब नीति मामले में चल रही जांच में आरोपियों की मदद करने के लिए दिसंबर 2022 और जनवरी 2023 के बीच प्रवीण वत्स को 5 करोड़ रुपए दिए थे। ईडी को दिए अपने बयान में प्रवीण वत्स ने कहा कि दीपक सागवान ने उन्हें कुछ पैसे के बदले अमनदीप ढल को गिरफ्तारी से बचाने की व्यवस्था कराने में मदद करने का आश्वासन दिया था। सागवान ने दिसंबर 2022 में वत्स को ईडी अधिकारी पवन खत्री से मिलवाया। आपको बता दें, दीपक सागवान के आश्वासन के आधार पर प्रवीण वत्स ने दिसंबर 2022 से जनवरी 2023 तक 50-50 लाख रुपए की 6 किस्तों में अमनदीप ढल से 3 करोड़ रुपए लिए। दीपक सागवान ने बाद में वत्स को बताया कि अमनदीप सिंह ढल को 2 करोड़ और देने का आरोपी लिस्ट से बाहर किया जा सकता है। प्रवीण वत्स से ये बात अमनदीप ढल को बताई और व्यवसायी के प्रस्ताव पर सहमति देने के बाद उन्होंने वत्स के 50-50 लाख रुपए की 4 किस्तों में 2 करोड़ रुपए देने का ले लिए। आपको बता दें, प्रवीण वत्स ने ईडी को ये भी बताया कि अमनदीप सिंह ढल के पिता से मिले पैसों में से उसने दीपक सागवान और पवन खत्री को आगे 50 लाख रुपए दिए थे। पेमेंट नगद में किया गया था। हालांकि सागवान द्वारा दिए गए आश्वासन के बावजूद अमनदीप ढल को 1 मार्च 2023 को ईडी द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तारी के बाद प्रवीण वत्स ने दीपक सागवान से मुलाकात की। उन्होंने कहा कि गिरफ्तारी के निर्देश उच्च अधिकारियों से आए थे और उन पर उनका कोई भी प्रभाव नहीं था। आज तक की ये बड़ी रिपोर्ट सामने आई है।